फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे मेरा मतलब वैसे मॉर्निंग का क्लीनिंग वगैरह का काम हो गया है, बस फर्नीचर वगैरह। आज मैंने ना फर्नीचर खिसका के मतलब सफाई की थी, झाड़ू पोछा किया था, तो फर्नीचर सब आगे है। और बस मैं मतलब मुझे ये लगा कि कहीं पीछे से भी कुछ ख़राब ना हो, गंदगी तो नहीं थी क्योंकि पिछली बार ही मैं क्लीनिंग करके गई थी। बस मुझे ये था कि फर्नीचर आगे से तो हम साफ़ करें, कहीं पीछे से भी ना हो। तो सारे फर्नीचर मैंने खिसका खिसका के साफ़ किए थे, झाड़ू पोछा किया था मतलब। तो बिल्कुल सही है, कोई ऐसे मतलब कुछ ऐसा नुकसान हुआ नहीं है। तो बेडशीट मैंने बिछाई नहीं थी, आज मैंने बेडशीट धुल दी है। दोनों बेडशीट मैंने आज धुल दी हैं, और दोनों मतलब एक तो अंदर बेड में बिछती है और एक हम जब बाहर सोते हैं तो सोफ़ा कम बेड में भी बिछाते हैं, तो वो दोनों मैंने धुल दी हैं। तो चलो बेडशीट बिछाते हैं, मैंने कहा चलो बाद में बिछाऊँगी। और झाड़ू पोछा, खाना पीना, नहाना धोना सब हो गया है, कपड़े वगैरह सब वॉश हो गए हैं। तो बस यहाँ पे ये तकिया के कवर बिछा रही हूँ। और जैसे ये दो तकिया एक्स्ट्रा रहती हैं, ये पतली पतली सी ना बच्चों के लिए ला रखी हमने। वैसे बच्चे यूज़ नहीं करते, बस जिस समय सोते हैं ना उस समय उन्हें ज़रूरत होती है, तो मतलब फिर तो मैं निकाल देती, फिर वो खुद ही गर्दन नीचे कर देते, बस लेटते समय चाहिए होती है। तो इसलिए हमने उनके लिए पतली पतली सी ये तकिया ला रखी है। वैसे हम भी मतलब पतले ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा मोटी नहीं करते क्योंकि सर्वाइकल प्रॉब्लम है, मुझे तो है ही, इनको भी होने लगी है अब सर्वाइकल की प्रॉब्लम। तो बस यहाँ पे तकिया वो कर दूँगी, इसीलिए चार तकिया रहती है हमारी, चारों की चार तकिया। तो ये मैं तकिया गिरा बिछ लगा के और फिर इन्हें रख दूँगी, मतलब फिर बेडशीट बिछा दूँगी अपनी। और मुझे ना बेडशीट भी लानी है, बेडशीट ही नहीं है मेरे पास, छोटी हो गई हैं, कोई फट गई हैं, बस ऐसे यही है। और एक जो इससे पहले मतलब बिछी हुई थी वो मैंने बताया था, तो ये तकिया ना मैंने रख दी हैं, जब निकाल वो यूज़ करेंगे रात को तो निकाल लूँगी। तो मैंने अभी बेड में रख दिया, जगह थी बेड में, तो अपनी बेडशीट बिछाते हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी, और दीवारों के हाल देख रहे हो आप, ये सब पानी के वो हैं, पता है निशान, पानी ही है मतलब सीलन ही है, जो ऐसे धब्बे धब्बे से भी दिख रहे हैं ना, ये सब पानी का ही है। कमाल, इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई, सब जगह ही ऐसी सीलन आ रखी है, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। तो बेडशीट बिछा के अपने बेडरूम को कर दूँगी तैयार। और बेडशीट देखो झटाक से बिछ गई है, काश जैसे मैं इसमें दिखाती हूँ वैसे झटाक से काम होता, बट ऐसा होता नहीं है, वो स्पीड बढ़ा के कट फुट करके हो जाता है। तो बस बेडशीट मेरी, बेड मेरा तैयार हो गया है, और इसके बाद मैं चले जाऊंगी छत के ऊपर। जैसे मैंने कहा था कि बेडशीट धुल ली है, कंबले, सोफ़ा के कवर सारे आज मैंने धुल दिया है, तो बस निकाल लूँगी क्योंकि सुबह धुल दिए थे ना। तो अभी अभी शायद 11 बजे का टाइम होगा, हाँ मुझे लग रहा 11 बजे का ही टाइम है। तो यहाँ पर मतलब 11 बजने वाले होंगे या ऐसे, तो बस ये बेडशीट वगैरह सब मैं ले जा लूँगी, सूख गई हैं क्योंकि 9 बजे मेरे धुल गई थी, तो 11 बजे तक तो सूख ही जाएंगी, धूप इतनी तेज़ और मौसम कितना, वो आसमान कितना अच्छा लग रहा है ना, नीला नीला बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं अभी ऐसे देख रही हूँ, वैसे तो मैंने देखा नहीं, अभी वॉइस ओवर करते समय देख रही हूँ तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो बस कुछ कपड़े यहाँ डाले थे, कुछ कपड़े नीचे डाले थे, तो नीचे के कपड़े तो सूखे नहीं हैं, बट उन्हें ये कि पलट दूँगी। और वैसे मैं एक बार सोची थी सारे कपड़े ऊपर डाल देती, फिर मैंने कहा चलो कुछ नीचे डाल देती, और ये बेडशीट और कंबल वगैरह जल्दी सूख जाते हैं ना, लेकिन जो ये कैपरी वगैरह जो और कपड़े हैं वो इतने, टी शर्ट भी सूख जाती है बट कैपरी अंडरगारमेंट्स नहीं सूखते हैं। तो ये जो सूख लिए हैं उन्हें निकाल दूँगी, जो नहीं सूखे उन्हें पलट के रख दूँगी मैं। और इनमें मैंने नई चिमटी लगाई थी ना, तो उनको उसको मैं अलग निकाल रही हूँ, और जो पुरानी चिमटी उसको इनमें लगा रही हूँ, तो इतनी कंजूसी होती है देखो, मतलब ये है जब तक थोड़ा नया नया है ना तब तक ये रहेगा कि नई नई चीज़ें संभालो कुछ दिन तक। तो चलो अब इन कपड़ों को अंदर ले जाके इन पे इनकी तह लगा लूँगी। और जैसे वो ये तकिया के कवर वगैरह भी, हाँ जो ऊपर से भी कपड़े लाए थे टी शर्ट और पैंट ना, वो भी ढील, वो गीली थी, तो वो भी मैंने यहाँ पे डाल दी है, मैंने कहा यहीं पे सूख जाएंगी। तो बस ऐसे ही कपड़े सूख रहे हैं, और मतलब ये वैसे भले गर्मी है बट ये कि कपड़ों के लिए बहुत अच्छा टाइम है कि कपड़े आसानी से सूख रहे, नहीं तो गीला सा पोछा भी लगा रहे तो पोछा भी एकदम सूख रहा है, यही हो रहा है। तो चलो कपड़ों को ले जाते हैं और तह लगा देते हैं कपड़ों को। और पता है मैंने सोफे के कवर भी धुले हैं, लेकिन पता है मैंने नीचे का धुला, मतलब जो सीटिंग वाला एरिया का वो धुला, ऊपर वाला नहीं धुला, और मैंने कहा नहीं गंदा नहीं होगा, लेकिन जब बिछाया ना तो मतलब साफ पता चल रहा था कि गंदा और साफ, और गंदा साफ पता चल रहा था। तो अब कल ना मुझे ये ऊपर वाला भी धुलना पड़ेगा, मैं मुझे लगा ना कि मैंने कहा नीचे तो हम बैठते हैं गिरता रहता है, बट ये कि ऊपर इतना गंदा नहीं, लेकिन शायद धूल वगैरह चिपकती है, तो धूल वगैरह तो चिपकती है ना, तो शायद इसीलिए। चलो ये है कि नेक्स्ट टाइम के लिए हो गया, जब धुलूँगी तो दोनों साथ धुलूँगी। मैंने कहा अभी हम लाए थे इतनी जल्दी तो गंदे हुए नहीं होंगे क्योंकि बिछाए थे उसके बाद हम चले गए थे,
तो अभी जब मैं बिछाऊंगी ना तब देखना। वैसे पता नहीं कैमरे में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन मुझे सामने दिख रहा था। तो ये वाली बेडशीट ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैंने शायद बहुत बार बोल दिया होगा व्लॉग में, बट जब लगती है तो लेकिन क्या करें, कट गई है। तो इसका सिंगल बेड की भी नहीं बन सकती, बीच में हो गई है ना ये। तो देखूंगी कुछ तो कुछ ना कुछ ना कुछ तो करूंगी इसका, जो भी करूंगी। और ये वाली बेडशीट हम सोफ़ा कम बेड में बिछाते, ये भी फट गई। ये दोनों मेरे भाई ने दी थी, ये एकदम से फट गई, पता नहीं क्यों। ये मतलब ये वाली बेडशीट ना ज़्यादा नहीं चली, पता नहीं क्यों। तो दोनों कंबले भी तह लग गए, क्योंकि रात को ना ठंडा लगता है, तो कंबल तो मतलब निकालते भी नहीं भी निकालते। तो ये देखो, वैसे कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा है ना, लेकिन दिख रहा होगा आपको, नीचे का डार्क कलर दिख रहा है, ऊपर का ब्राउन दिख रहा है, नीचे थोड़ा डार्क दिख रहा है, मतलब है फ़र्क ना। तो कल धुल दूँगी, क्योंकि मुझे पर्दे धुलने, सुबह मैंने नहीं कहा था कि पर्दे निकाल देना, लेकिन बस इन्होंने निकाले ही नहीं, और पर्दे बहुत गंदे हो रखे हैं, गंदे मतलब वही सीलन वाले हो रखे हैं। तो कपड़े समेट दूँगी और इसके बाद सीधे चल जाऊँगी किचन में। किचन में मेरा खाना तो बन गया था, बट वही है, मतलब मैंने कहा गैस साफ़ कर देती हूँ मैं, कुकर ना जैसे मैंने कहा कुकर से ना सीटी सी वैसे निकल रही है, तो दाल वगैरह ना बाहर आ रही है। तो मैंने कहा चलो किचन साफ़ कर देती हूँ, फिर इसके बाद ये रहा कि सिर्फ खाना देने का काम रहेगा, गैस साफ़ हो जाएगी। वैसे मैं कर देती हूँ गैस ना, जैसे ही खाना बनता है वैसे ही साफ़ कर देती हूँ रात को भी। तो उसके बाद ये कि सिर्फ बर्तन धुलने का काम रहता है, गैस वगैरह क्लीन रहती है। और ये भी एक हमारे किचन को बिल्कुल साफ़ रखने की टिप है, अगर गैस साफ़ है तो पूरा किचन ऐसे लगता है कि साफ़ है, स्लैब और गैस साफ़ होनी चाहिए। सो फ्रेंड, 12:05 हो गए हैं और मेरा ऑल डन सारा काम हो गया है, मतलब खाना पीना बन गया है, किचन की सफाई तो आपने देखी हो गई है। बस अब ये है कि खाना देंगे तो इतना गंदा नहीं होता है किचन, और बस बर्तन बाद में धुलूंगी जब खाना खाया जाएगा। बच्चों को लेने जाऊंगी, 12:20 पे जाती हूँ मैं, 12:30 पे हन्नू की छुट्टी होती है। तो 12:05 हो रहे हैं, अभी 10-15 मिनट रह रहे हैं मेरे पास। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, क्योंकि ना इस टाइम पे कर लो तो ठीक रहता है, इसके बाद फिर तहलका मच जाता है। जैसे ही बच्चे स्कूल से आते हैं टीवी की आवाज़, फिर कूलर चलेगा, अभी तो मौसम मतलब मैंने फ़ैन बंद कराया, नहीं तो बहुत तेज़ आवाज़ आती। और हाँ, मुझसे कोई मेरी वो मतलब YouTube फ्रेंड पूछ रही थी कि आप कौन से माइक का यूज़ करते हो, तो मैं कोई भी माइक का यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब आप देख सकते हो मेरे पास कोई भी माइक नहीं है, आवाज़ ही मेरी तेज़ है। थोड़ा बस ये है कि जैसे अपलोड करती हूँ तो उस समय थोड़ा मतलब ये करती हूँ सेटिंग वगैरह, नहीं तो माइक का कोई भी यूज़ नहीं करती हूँ। और मुझे मतलब मेरे पास दो माइक है, बट मुझे उनसे कुछ लगता ही नहीं है कि कोई चेंज होता होगा, इसलिए मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो सारा काम हो गया है, और आज आपने देखा सारे घर मैंने धुल दिया, कपड़े वगैरह सारे, बिस्तर वगैरह। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।